हेलो, मेरे चैनल का नाम बीके जब्बा है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियो को लाइक्स करें, शेयर करें। और ये आज का लेक्चर है एवरेज पावर एसोसिएटेड इन एसी सर्किट पावर फैक्टर। इसका डेरिवेशन बहुत कम एग्जाम में पूछता है, लेकिन फिर भी मैं करा रहा हूँ। योर डेरिवेशन देखो कि 4 LCR सर्किट के अंदर पावर फैक्टर के लिए काम करेंगे। अब ये देखो V इक्वल टू जो इक्वेशन होती है वी नॉट पोटेंशियल का वी नॉट और साइन ओमेगा टी, और I इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी फाई। अब ये देखो LCR परिपथ का जिक्र करा, यहाँ पर ये R हो गया रेजिस्टेंस, यो XL हो गया या L कह सकते हैं, इंडक्शन लगाया, यो क्या लगाया, यो कैपेसिटर लगा हुआ। ठीक, अब इसका फेज डिफरेंस 0 है, मैंने पिछले लेक्चरों में बहुत बढ़िया करके बताया। इसका पहला लेक्चर अल्टरनेटिव करंट का पहला लेक्चर देखोगे तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। और यो 90 डिग्री इसमें आगे होता है करंट, और इसमें 90 डिग्री क्या होता है पीछे होता है। अब ये तीनों जुड़ गए एक साथ, ये अलग अलग की बात थी जब था, लेकिन जब एक साथ जुड़े तो उसमें फेज डिफरेंस का हमें पता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर फिलहाल वो इसमें प्लस में फाई लिख लिया गया। ठीक, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब यहाँ देखोगे पी बराबर बी आई होता है, यो एवरेज पावर एवरेज वैल्यू निकालनी, तो बी की जगह ये वाली वैल्यू रख देंगे, आई की जगह ये वाली वैल्यू रख देंगे, तो ये बी और आई नॉट दोनों अलग निकाल लेंगे, ये दोनों इधर कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाई टू, टू से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में यहाँ ऊपर भी होगी नीचे भी होगी। ये देखो यहाँ करें, ये टू तो ये जो है इनमें फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला है जो हाई स्कूल के में बताया जाता है ट्रिग्नोमेट्री में, तो कोस ए माइनस बी कोस ए प्लस बी, इस वाले में फॉर्मूला इसे ए मान लेंगे, इसे बी मान लेंगे, इसमें मान लगाएंगे। ये देखिए अब इसमें ये इस तरीके का हो गया कि कोस ए की जगह ए का मान आ गया, फिर बी आ गया, इसमें ये बी आ गया, माइनस का निशान कोस ए आ गया, प्लस में बी आ गया। अब इसमें यो कट गया कैंसिल हो गया और यो जुड़ जाएगा टू हो गया, फाई का फाई आ गया, यो माइनस ऐसे लिख लिया फाई। अब यो पूरे होल साइकिल फॉर होल साइकिल के लिए इट इज जीरो, क्या है होल साइकिल के लिए इट इज जीरो, यो कोस की माइनस खत्म हो जाती है, ये ध्यान रखना है, इसकी माइनस खत्म होगी। अब यो आ गया, अब यो टू, टू का क्या है, टू को देखो, टू का मैटर ऐसा ही है कि इसे रूट टू इंटू रूट टू लिख सकें, टू को क्या लिख सकें रूट टू इंटू रूट टू, तो यहाँ वही काम हमने करा, रूट टू की इंटू रूट टू से करेंगे तो टू आता है, तो इसे यहाँ इस तरीके से लिख लिया, इसके वी नॉट के नीचे इसके नीचे, जहाँ इसकी वैल्यू होती है क्या, इसका मान होता है आई बी आर एम एस, जो मैंने पीछे बताया यो आई आर एम एस हो गया, यो इस तरीके से आ गया, इसे क्या कहते हैं वेयर कोस फाई इज कॉल्ड पावर फैक्टर, क्या है पावर फैक्टर, कोस फाई का मान अगर निकालना है तो आर अपॉन जेड हो गया, आर अपॉन जेड। अब इसके ये जो है केस है, केस अगर फोर ओनली केवल अगर इंडक्शन लगा हुआ हो तो उसमें मैंने बार बार यही बताया, लेक्चर अल्टरनेटिंग करंट का जो लेक्चर फर्स्ट है उसमें देखोगे तो इंडक्शन के उस इंडक्शन में करंट और पोटेंशियल के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, तो 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा तो देन पावर लॉस कितना होगा शून्य, क्यों होगा लॉस शून्य, यो इस बात को मैं इस पेज पर बता देता हूँ कि बी आर एम एस और आई आर एम एस और कोस 90 रखेंगे, कोस 90 जीरो होता है रखना पड़ेगा, कोस 90 की वैल्यू जीरो तो ये पूरे को जीरो, पूरे को जीरो कर देगा, यानी कि यहाँ अब दूसरी जो केस है
कि फॉर इस पर जो है न्यूमेरिकल बहुत पूछते हैं, इसलिए इन्हें बहुत बढ़िया करके क्लियर करके समझना पड़ेगा कि फॉर ओनली कैपेसिटर की अगर बात करेगा और पूछेगा कि भाई पावर लॉस कितना है, तो 0, फेज डिफरेंस कितना है 90, तो कैपेसिटर में भी मैंने बताया, फिर बता रहा हूँ कि इसके अल्टरनेटिंग का लेक्चर नंबर 1 डाउनलोड है, उसमें अगर ध्यान से सुनोगे तो सब बताया है, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस कैसे होता है कैसे नहीं होता हर चीज़ बताई है। तो इसमें 0 हो जाएगा पावर लॉस। इसमें रिजोनेंस एक्स रिजोनेंस की जब बात आई, रिजोनेंस का लेक्चर देखोगे तो उसमें मैंने बताया है रिजोनेंस क्या चीज़ होता है, कैसे आता है, क्यों पैदा होया। अब इसमें देखोगे कि इसमें क्या है, एक्सएल एक्सी बराबर हो गए तो ये तो कट गया, क्या बचा आर बचा, आर बचा तो आर में फेज डिफरेंस 0 होता है, फेज डिफरेंस 0 होगा तो कोस 0 का मान 1 होगा, देन पावर लॉस इतना हो जाएगा बी आर एम एस आई आर एम एस। फॉर ओनली रजिस्टर, रजिस्टर है तो रजिस्टर रिजोनेंस है तो रजिस्टर है, बात एक ही है। यहाँ देखोगे यो इसमें भी रजिस्टर ही बचा था, इसमें रजिस्टर, तो इसमें रजिस्टर में रजिस्टेंस में क्या होता है फेज डिफरेंस 0 होता है, तो पावर लॉस कितना हो जाएगा ये हो जाएगा, इस तरीके से निकाल लेंगे। अब बात करते हैं वाटलेस करंट, वाटलेस करंट क्या है, बहुत ईजी है, जहाँ करंट लॉस शून्य है तो वाटलेस करंट है, और वाटलेस करंट ऊपर ही मैंने बता दिया है इसमें कि कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया, उसमें फेस डिफरेंस तो 90 हो तो कोस 90 का मान 0 हो तो करंट 0, सब पूरा पावर 0, सब चीज़ 0, तो उसमें लेकिन करंट तो रहता ही है, उसमें करंट रहता है, पावर 0 हो जाती है तो पावर लॉस 0 हो जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे वाटलेस करंट। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, द करंट विच कंज्यूम नो पावर, जो पावर नहीं यूज करता, फॉर इट इज मेंटेन्स इन द करंट बनाए रखता है, इज कॉल्ड वाटलेस करंट और आइडियल्स करंट भी कहते हैं, या आइडियल्स करंट कहते हैं। यहाँ हमने बताया कि या ऐसा लिख सकते हो कि इंडक्शन और कैपेसिटर के अंतर्गत पावर लॉस होता है, पावर लॉस जो है शून्य होता है, सो उसमें कौन सा करंट होता है वाटलेस करंट होता है। तो ये बताया आई नॉट इक्वल टू 0, आई 0 नहीं है, पी 0 है, पावर लॉस 0 है। ओके, आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है।